गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है एक्सरसाइज 1.5 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इजकल टू सी बाई डी। यानी पाई जो होता है उसको जो निकालने का तरीका है, पाई को कैसे निकाला गया है बच्चों, कि ये सर्कमफ्रेंस, जैसे सर्कमफ्रेंस को यहाँ से मेजर कर यहाँ आते हैं और उसमें अगर डायमीटर से डिवाइड कर दे, चाहे सर्कल का रेडियस कुछ भी हो, छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, सभी का रिजल्ट एक ही आता है। क्या रिजल्ट आता है बच्चों, कि ये सर्कमफ्रेंस के लेंथ को मेजर कर लो और डायमीटर को मेजर कर लो, तो और सर्कमफ्रेंस में डायमीटर से डिवाइड कर दे तो जो रेशियो मिलता है वो पाई का वैल्यू आता है, जो आंसर आता है वो पाई का आता है। अब पाई कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर है। तो वो यूँ कह रहा है आप इसको मेजर करते हो और इसको मेजर करोगे तो ये तो रेशनल नंबर होगा, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये रेशनल नंबर हो। तो इन दोनों में से एक हमेशा इरेशनल नंबर आता है, जैसे नंबर लाइन पर रूट टू रूट थ्री दिखाते हैं ना हम, ऐसे ही या तो ये डायमीटर इरेशनल आएगी इसकी लेंथ, या सर्कमफ्रेंस की लेंथ, दोनों में से कोई एक लेंथ हमेशा इरेशनल रहती है या दोनों भी इरेशनल हो सकती है। तो जब भी इरेशनल में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें या इरेशनल का किसी में डिवाइड करें तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है, इसलिए पाई क्या है बच्चों, इरेशनल आएगा। समझ में आया ना। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, यह दिखाता है एक विरोधाभास, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। अभी मैंने बता दिया ना कि ये मेजर करते तो ये दोनों नंबर रेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये रेशनल नंबर है तो ये पाई रेशनल होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है, रहस्य ये है कि इन दोनों की लेंथ को मेजर करते हैं तो एक हमेशा, कम से कम एक हमेशा क्या होगी, इरेशनल नंबर होगा एक का, या दोनों इरेशनल हो सकती है। दोनों इरेशनल होगी तो ये सर्कमफ्रेंस बड़ी होगी, डायमीटर छोटा होगा तो अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी तो वो भी इरेशनल ही होगा। यानी इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब इरेशनल, क्योंकि अलग अलग होगी, और यहाँ पर अगर दोनों में से एक इरेशनल है दूसरा रेशनल है तब भी इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर दोनों केस में पाई का मान इरेशनल नंबर आएगा, इसे ही हमको यहाँ पर नोट करना है। तो बच्चों हम क्या नोट कर लेंगे यहाँ पर, पाई इजकल टू सी अपॉन डी होता है, जहाँ सी सर्कमफ्रेंस है, डी डायमीटर है ना, चाहे तो आप फिगर बना सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट लिख देंगे हम, व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ डायमीटर आर सर्कमफ्रेंस, है ना, एंड कर दीजिए आप, एंड सर्कमफ्रेंस सी, वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब मेजर करते तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, तो हम उसको जज नहीं कर पाते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है ना, जबकि एक इरेशनल, कम से कम एक इरेशनल रहती है या दोनों इरेशनल रहती है उसमें, बट आइदर डी आर सी आर बोथ में भी इरेशनल है, उनमें से या तो सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा या दोनों इरेशनल होगा। और हम जानते हैं कि रेशनल अपॉन इरेशनल तो इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल अपॉन रेशनल तो भी इरेशनल आएगा, तो पाई क्या हो गया बच्चों, सो पाई इज अ इरेशनल नंबर। एक केस और देख लीजिए बच्चों, यहाँ से इसको हट के, जैसे पाई का वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। अब यहाँ पर ये दोनों आपको रेशनल दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी है अप्रोच, जब इससे डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है, है ना, इसके बाद में, जबकि पाई का वैल्यू 50 डिजिट तक नॉन टर्मिनल नॉन रिपीटिंग, इसके बाद ये चेंज हो जाता है, रिपीटिंग नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कैसा है ये, इसमें ब्लॉक बनेंगे, रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे, जबकि पाई का वैल्यू कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है। तो ये कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये सही मान नहीं है, ये सिर्फ दो या दो अंकों तक ही करेक्ट वैल्यू है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे हम दूसरे जो क्वेश्चन है जो इरेशनल नंबर है उनको भी इसी मेथड से
नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, तो इसको तो दिखा ही सकते हैं। अगर इसकी जगह रूट फाइव हो, रूट सेवन हो, रूट एलेवन हो, या 8.3, 9.3, जो भी नंबर दिया हो, उन सबको इस मेथड से हम दिखा सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले उससे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक नंबर लाइन लेंगे बच्चों। नंबर लाइन पर 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो सेंटीमीटर मतलब वहाँ पर यूनिट नहीं दिए, तो हम उसको यूनिट लिखेंगे, लेकिन अभी हम मेजरमेंट के लिए 9.3 सेंटीमीटर ले रहे, लेकिन लिखेंगे यूनिट ही लिखेंगे इसको। 9.3 सेंटीमीटर यानी ये 9.3 यूनिट लिया मैंने, कितना लिया ये 9.3 यूनिट लिखूँगा मैं इसको, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ है ये, इसको कुछ नाम देंगे हम ए, और इसको देंगे बी। कितना है 9.3, और इसका जो मेथड है उसमें 1 सेंटीमीटर और इसको यानी 1 यूनिट जो है और आगे इसको बढ़ा देंगे हम सभी इस क्वेश्चन में। अगर आपको 8.3 दिया तब भी 1 बढ़ाना है, 7.3 या 7.2 जो भी दिया है, सब में आपको क्या करना है 1 यूनिट बढ़ाना है, सिर्फ कितना 1, याद रखना आप लोग। सवाल कुछ भी हो, करना आपको सिर्फ 1 यूनिट ही है। इसको हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, सी। तो ये कितना है 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट है बच्चों, ये सी पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का बताइए। ये टोटल लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक 10.3 यूनिट, ठीक। अब इस 10.3 को हम बाइसेक्ट कर लेंगे, तो इसको बाइसेक्ट करते तो 5.15 यानी इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, और सेमी सर्कल ड्रा करेंगे तो इसका आएगा 5.15, है ना। तो ये 5.15 यानी इसका मिड पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है, या इसको आप बाइसेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो मिड पॉइंट निकाला, इसको हमने ओ नाम दे दिया। तो ओ ये मिड पॉइंट है दोनों जगह से, देखिए बच्चों। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रा करेंगे बच्चों, यहाँ से सेमी सर्कल। तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया जो ए और सी को टच करेगा। तो ये जो यहाँ से सर्कल ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से यहाँ डी पर परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बी पर प्रोटेक्टर रखेंगे, बी पर 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, और इसको बी को इससे जॉइन कर दिया मैंने। तो ये जहाँ सर्कमफ्रेंस को टच करेगा बच्चों, ये जो पॉइंट आएगा इसको हम नाम देंगे डी। इस लेंथ को क्या नाम दिए, डी। और ये बी डी जो लेंथ है इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 9.3। क्या आएगा बच्चों, कितना वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट 9.3। अब बच्चों ये जो 9.3 है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये 9.3, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना। तो आप यहाँ से एक डी बी को सेंटर मानकर एक ये आर्क ड्रा करेंगे, जो नंबर लाइन पर कहाँ पर मिलेगी, ये इस पॉइंट पर। इसको कुछ नाम दे देंगे आप डी बी डी, और इसको कुछ ई नाम दे दीजिए। तो ये जो बी ई लेंथ और बी डी लेंथ, बी ई इजकल टू बी डी, ये दोनों कितना लेंथ है, अंडर रूट 9.3। यानी ये इसका मेजरमेंट भी 9.3 है, इसका मेजरमेंट भी 9 है। तो हमको नंबर लाइन पे दिखाना है कि ये इतना पोर्शन जो है ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाता है, अंडर रूट 9.3। यानी 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना था, तो ये लेंथ जो है ये अंडर रूट 9.3 हुई बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैंने लिखा था उसको फिर से आपको क्लियर कर दें। सबसे पहले लिखा है ड्रा ए बी 9.3, जो भी आपको लेंथ दिया है, अगर 8.3 दिया तो 8.3 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रा करेंगे ए बी।
9.3 दिया, तो 9.3 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर नहीं लिखना, वहाँ यूनिट ही लिखना, लेकिन हमने अपने मेजरमेंट करने के लिए सेंटीमीटर माप लिया है, ठीक है ना। तो ये 9.3 में ए बी लिया हमने, उसमें 1 ऐड करना है आपको, है ना। तो हमने प्रोड्यूस करके बी सी 1 यूनिट इसमें ऐड कर दिया। फिर क्या करते हैं, इस ए सी को बाइसेक, है ना, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना। बाइसेक करके भी निकाल सकते हैं, और अगर लेंथ मेजर करके उसका हाफ कर लेंगे तब भी निकल जाएगा। मिड पॉइंट ओ निकाल लेंगे, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, है ना। ये सारी स्टेप मैंने वो स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है यहाँ पर आपको, है ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, बी पॉइंट से, है ना। और ये जहाँ पर इस सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, ये जो लेंथ है ये 9.3 कहलाएगी अंडरवुड में, ये 9.3। तो इसको मेजर करके, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये मेजर कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये अंडरवुड 9.3 हो जाएगा बी ई। ये नंबर लाइन पे हमने 9.3 दिखा। अब इसका जस्टिफिकेशन है, तो उसको करने के लिए क्या, मैंने एक ओ डी को ज्वाइन कर दिया, ये राइट ट्राइंगल बन गया आपको बच्चों। तो ओ बी डी राइट ट्राइंगल ले लिया, इसमें पाइथागोरस लगा दी। तो देखिए ये ए सी पूरा कितना था, ये यहाँ से 9.3 और 1, ये 10.3 ए सी। तो ओ ए कितना हो गया, 10.3 बाई 2, रेडियस हो गई 10.3 बाई 2, ये 10.3 बाई 2 हो गया, ये 10.3 अपॉन 2, ये रेडियस हो गई। और ये भी रेडियस है ओ सी, ये भी 10.3। अगर उसमें से ये माइनस कर लें 10.3 में से, तो ये बच जाएगा 8.3 बाई 2। जैसे ओ बी जो निकालना ना, ये ओ बी, ये देखिए ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी को ऐसे निकालेंगे, ओ सी माइनस बी सी, तो ओ बी बच जाएगा। तो ओ सी माइनस बी सी, तो ओ सी है ये 10.3 बाई 2, रेडियस है ना ये, माइनस 1 बी सी 1 माइनस कर लेंगे तो ओ बी बच गया कितना, 8. एलसीएम ले लिया आपने, 8.3 बाई 2, यानी ये 8.3 बाई 2 बच गया। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और ये बी डी निकालेंगे। ये तो पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बता दिया, लेकिन अभी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो पाइथागोरस लगे बच्चों, यहाँ पर ओ डी दिया है 10.3 का स्क्वायर लिख दिया, बी डी निकालना है हमको, और ये 8.3 अपॉन 2 ओ बी का मान आया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। तो यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी एलसीएम लिया 2 आया, ये हो गया 18.6, और यहाँ एलसीएम 2 आया, माइनस कर दिया तो 2 बाई 2 बी डी का स्क्वायर, और इसमें 2 से डिवाइड किया 9.3, ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो बी डी कितना आ गया 9.3। ये प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया, इसको समझ लेना, वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ये जो बी डी लेंथ आया, ये अंडरवुड 9.3 कैसे आया, मैंने यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन से बता दिया है आपको। तो मेरे हिसाब से आप इस सवाल को समझ गए होंगे कैसे करना, सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, जो लेंथ दिया है वो 9.3, उसमें 1 ऐड करिए, और इसको बाइसेक करके एक सेमी सर्कल ड्रा करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करिए बी से, जो लेंथ होगा वही आपका आंसर होगा। तो ओके, थैंक यू।